क्या जो जेएमएम कहती है वो नहीं करती, क्या जेएमएम बोल के भूल जाती है, क्या अपने कार्यकारी अध्यक्ष की बात को भी कार्यकर्ता सीरियसली नहीं लेते। दरअसल ये सब सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि जेएमएम ने सीना ठोक के कहा था कि इस बार के गुजरात चुनाव में हम प्रचार करेंगे बीजेपी के खिलाफ, कोई नहीं गया जेएमएम का। अब इसका अर्थ क्या लगा जाए? दूसरा वाला अर्थ अगर आप लोग सोच रहे हैं तो उस पर हम फिलहाल रोक लगाते हैं। दादा आप लोग क्यों नहीं गए गुजरात प्रचार करने? देखिए जब प्रचार का काम शुरू हुआ यहाँ पर भी जो पॉलिटिकल टर्मोइल था तो वो भी एक कारण हुआ कि हम लोग वहाँ पर जा नहीं पाए। और दूसरा कारण है कि जो कोऑर्डिनेशन वहाँ पर बनाने की बात थी वो भी हमको लगता है कि पूरी तरह से हम निजामा नहीं पहनना पाए हम लोग, तो इसी कारण से हम लोग नहीं गए। लेकिन हम लोगों को विश्वास है, हमारे जो लोग वहाँ पर है उनसे निरंतर संपर्क में हम लोग हैं। हमको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वहाँ एक जनाक्रोश है और 27 साल का एंटी इनकम्बेंसी इस बार भारतीय जनता पार्टी को मुश्किल में लाएगी। मतलब आप लगी से घास टाल रहे हैं, यही ना? अब आप इसको कुछ भी नाम दे दीजिए, लेकिन देखिए पॉलिटिक्स जो है वो सर्कमस्टांशियल चीज़ों पे डिपेंड करता है, कब क्या परिस्थितियाँ होती हैं। परिस्थितियाँ बहुत तेज़ी से बदलती रहती हैं, तो यहाँ जो परिस्थितियाँ बदली थी वो आप भी देखे हैं कि पहले हफ्ता में इस महीने के जिस तरह से चीज़ें बीती हैं, तो उससे कहीं ना कहीं हम लोगों को संघर्ष करना पड़ा और इसी संघर्ष के कारण हम लोग नहीं जा पाए। 40 रिजर्व सीट हैं वहाँ पे। कांग्रेस यहाँ अपने झारखंड के नेताओं को लाकर वहाँ पसीना बहवा रही है, लेकिन सहयोगी नहीं जा रहा है, तो इसको किस रूप में कोई देखेगा? जबकि सहयोगी कांग्रेस से पहले ऐलान किया था कि हम जाएंगे, ऐसा कर देंगे, एक सीट नहीं मिलेगा इनको। नहीं, सही बात आप कह रहे हैं कि कांग्रेस का चूंकि वहाँ पर कैंडिडेट है, हमारा कोई कैंडिडेट भी नहीं है। यदि वो कोऑर्डिनेशन बन जाता तो निश्चित तौर पे हम लोगों के भी कुछ लोग जाते हैं वहाँ पर, लेकिन वो बन नहीं पाया इसलिए हम लोग नहीं जा पाए। ठीक है, ये तो अच्छा आप जवाब दिए। राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा में आप कैबिनेट मंत्री को भेज देते हैं कि जाइए वहाँ शिरकत कीजिए, गुजरात नहीं जाते हैं आप लोग, तो इसका कुछ नया समीकरण जोड़ के देखे या मतलब ये फितूर है अभी ये सब नहीं बोले हम? नहीं नहीं, देखिए आप राहुल गांधी जी का जो भारत जोड़ो यात्रा है उसमें चूंकि एक सॉलिडिटरी हम लोगों को दिखाना था उनके साथ, उनके कॉज के साथ, क्योंकि वो कॉज एक बहुत बड़ा कॉज है और हम कह सकते हैं एक नोबल कॉज है, उसलिए उसका रिप्रेजेंटेशन हुआ है। और सभी राज्यों में जो उस राज्य में भाजपा विरोधी दल है उन्होंने शिरकत की है, चूँकि झारखंड में तो आएगा नहीं इसलिए एक प्रतीक के तौर पे वहाँ पर हमारे पार्टी के नेता गए हैं। वो संयोग से मंत्री है वो अलग बात है, लेकिन वो पार्टी के कार्यकर्ता है, नेता है। तो वहाँ आप लोग भेज दे रहे हैं और गुजरात नहीं भेज रहे हैं, तो वो मतलब एक नहीं समझ में आ रहा, वो अजीब टाइप का सवाल मन में आ रहा है। अब मन भी कर रहा है कि पूछे कि नहीं पूछे। अच्छा पांडे जी जाने में भी तो भाड़ा भुत्ता लगता है। अच्छा कहाँ से हम लोग इतना संसाधन वाले लोग हैं कि भाड़ा भुत्ता लगा के यहाँ पर यहाँ से वहाँ तक गया। पूरा बीजेपी कर रही है पैसा झारखंड का, भी जेएमएम के पास ये और आप कर रहे पैसा भाड़ा तक का नहीं है। तो भाजपा कुछ दे दे हम लोग को तो जाके उनके खिलाफ हम लोग बात करेंगे। ठीक है, लेन देन की प्रक्रिया है, इस बात को डंके की चोट पर समझिए। कह रहे हैं बीजेपी को अगर इच्छा है तो हम लोग का भाड़ा भुत्ती का व्यवस्था कर दे, हम लोग बीजेपी के खिलाफ जाकर प्रचार कर देंगे गुजरात में। लेकिन ये कोई नया समीकरण है क्या? क्या वाकई में कुछ राजनीति में जो हलचल होती है जिसको शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता, उसको सिर्फ एहसास किया जा सकता है, तो कोई ये नया एहसास है या सिर्फ एक दिमाग का फितूर है, आप कह सकते हैं वो मेरा, तो आप इसके बारे में भी लिखिएगा। लेकिन इस तीनों चीज़ का, जिस राज्य में बड़ा बड़ा बैनर पोस्टर लगता हो जो कहते हैं सो करते हैं, वहाँ कह के नहीं किए, तो क्या आप समझते हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। हम इस पर और नेताओं की अगर राय भी आप सुनना चाहेंगे
तो वो भी उनका भी नाम डालिएगा। शुक्रिया। बायोम ने दिए हैं नीट 2022 के झारखंड टॉपर्स। क्लास 8, 9, 10, 11 एंड 12 के स्टूडेंट्स के लिए आ गया है बायोम टैलेंट रिवॉर्ड एग्जामिनेशन, जहां उड़ान एडमिशन स्कॉलरशिप में पाएं अप टू 1.25 करोड़ डिस्काउंट एंड अप टू 100% स्कॉलरशिप इन क्लासरूम प्रोग्राम अलॉन्ग विद कैश प्राइज एंड रिवॉर्ड। बायोम, हीनू एवं नगरा टोली, रांची। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। The followup.in like share and subscribe www.thefollowup.in